जीवित किंवदंतियों, गाथाओं और स्थापनाओं का संगम है बुंदेलखंड। अपनी प्राकृतिक भूमि, पत्थरों और जंगलों में हार न मानने वाली जिद सी है बुंदेलखंड की विरासत। आश्चर्यचकित कर देने वाले प्राकृतिक दृश्यों, मानव निर्मित अद्भुत स्थापत्य कलाओं और दोनों के संयोग से उपजे एक आत्मविश्वास का नाम है बुंदेलखंड। प्राचीन जिजौती से बुंदेल राजाओं के कारण बुंदेलखंड हुए इस भूभाग में अनेकों दर्शनीय स्थल हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कथाओं को छुपाए हुए हैं। हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की यात्रा झांसी से आरंभ करके देवगढ़ और फिर झांसी से चित्रकूट तक दो भागों में करेंगे। और हम पहुंच गए झांसी। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है झांसी। हमारी यात्रा का आरंभ बिंदु झांसी रेल मार्ग और सड़कों से भारत के अन्य स्थानों से जुड़ा हुआ है और यहीं पर है राजा वीर सिंह का बनवाया हुआ प्रसिद्ध ऐतिहासिक झांसी का किला। यह किला गवाह है रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का, संघर्ष का, आत्मसम्मान का। 1857 के गदर में रानी ने अंग्रेजों को बुंदेलखंड के मूल स्वभाव का परिचय दिया। अपनी वीरता और साहस से जन कथाओं और लोक मन में ढल चुकी रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा ये किला अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। निर्माण की दृष्टि से किले को तीन भागों, बारादरी, शंकरगढ़ और पंचमहल में विभाजित किया गया। कड़क बिजली और भवानी शंकर तोप, गौस खां और मोतीबाई की कब्रें, काल कोठरी और कुदान स्थल इस किले के मुख्य आकर्षण हैं। झांसी से बाहर निकलते ही मात्र 24 किलोमीटर पर स्थित है बरुआ सागर। सागर की तरह अनंत एक झील और उसके एक किनारे की एक पहाड़ी पर बना किला। अद्भुत सौंदर्य और सामंजस्य से भरी हुई जगह है बरुआ सागर। बुंदेला शासन के गर्व के रूप में इसे राजा उदित सिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया। किला लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। किले के चारों ओर विशाल परकोटे में 9 बुर्ज बने हैं। बरुआ सागर कस्बे की सीमा में ही स्थित है जराय का मठ। देवी का यह मंदिर प्रतिहार काल में लगभग 9वीं शताब्दी में बना। मंदिर की बाहरी दीवारों पर नवग्रह, अष्टदिक्पाल और विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियों का अंकन है। इस कला का पूर्ण विकास खजुराहो के मंदिर में देखा जा सकता है। दूसरे दिन हमें झांसी से देवगढ़ का रास्ता तय करना था। इस मार्ग पर कुछ अद्भुत पर्यटक स्थल हैं, गढ़मऊ झील, सुखवा डुकवा वाटरफॉल, माता टीला बांध और ताल बेहट। झांसी से निकलते ही मुख्य मार्ग से मात्र 2 किलोमीटर पर स्थित है गढ़मऊ झील। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी यह झील अपने सौंदर्य से किसी को भी मात कर सकती है। जाड़े में प्रवासी पक्षी भी यहां अपना घरौंदा बनाते हैं। विलक्षण सौंदर्य और अद्भुत शांति से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मानव निर्मित एक करिश्मा है सुकवा झुकवा वाटरफॉल। बेतवा नदी पर बने बांध से इसका निर्माण हुआ है। बांध के अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक एक सुरंग है
जहां जगह जगह पर मेहराबदार खिड़कियां बनी हैं, जिसके ऊपर से बहता हुआ पानी एक अलग रोमांच पैदा करता है। इसी मार्ग पर माता टीला और ताल बेहट भी स्थित हैं। माता टीला बांध को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। असीम जल स्रोत और उद्यान से यह स्थान पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। यहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर है ताल बेहट, विशाल फैली हुई मानसरोवर झील और उसके निकट राजा मर्दन सिंह का बनवाया हुआ शानदार किला। बुंदेलखंड की मिट्टी से जुड़े सौंदर्य और ऐतिहासिकता की मिसाल है ताल बेहट। ढलती हुई शाम इस जगह को और खूबसूरत बना देती है। ढलती हुई शाम ने हमारी यात्रा को भी यहीं विराम दे दिया। अपूर्व, अद्वितीय, मात्र इन्हीं शब्दों से वर्णित किया जा सकता है देवगढ़ को। बुंदेलखंड की कला, संस्कृति, ऐतिहासिकता और आध्यात्म का चरम बिंदु है देवगढ़। पग पग पर बिखरा इतिहास और उसमें लिपटी आध्यात्मिक ऊर्जा इस क्षेत्र को एक अलग आभा मंडल से सराबोर कर देती है। बेतवा नदी के दाहिने तट पर बने इस क्षेत्र में प्राचीन मंदिर, प्रस्तर मूर्तियां और कलाकृतियां एक अनमोल धरोहर हैं। भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर अपने अद्भुत शिल्प के लिए विश्व विख्यात है। पंचायतन शैली में बने इस मंदिर को गुप्तकालीन राजाओं ने 5वीं शताब्दी में बनवाया। मंदिर की भित्तियों पर भगवान विष्णु की कथाएं उकेरी गई हैं। मंदिर में 3 फलक लगे हैं। इन फलकों में शेष साई विष्णु, गजमोक्ष और नर नारायण के विलक्षण दृश्य हैं। देवगढ़ में लगभग 300 फुट की ऊंचाई पर विंध्य पर्वत श्रृंखला में 31 जैन मंदिरों का समूह स्थित है। जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान में हजारों की संख्या में जैन प्रस्तर मूर्तियों का अवलोकन किया जा सकता है। देवगढ़ जैन और वैष्णव संप्रदाय के अनोखे संगम के रूप में उभरता है। इसी के साथ साथ नई खोजी गई बौद्ध गुफा ने इस क्षेत्र को भारतीय संस्कृति की एक अलग मिसाल बना दिया है। नदी से लगी विशाल पहाड़ियों पर इस प्रकार की अनेकों गुफाएं हैं, जहां भित्तियों पर अलग अलग कलाएं अंकित हैं। यहीं से थोड़ी दूर पर स्थित दुधई में प्राचीन मंदिर का भग्नावशेष अपने स्वर्णिम इतिहास का गवाह है। और दुधई के घने जंगलों के मध्य अत्यंत प्राचीन भगवान नरसिंह की रॉक कट प्रतिमा स्थित है। यह प्रतिमा खड़ी चट्टान को काट कर बनाई गई है। हिरण्यकश्यप वध को दर्शाता यह एक दुर्लभ कला प्रतिमान है। देवगढ़ में तीसरा दिन बिताकर हम फिर से झांसी के लिए चल पड़े, जहां से हमें बुंदेलखंड के एक अलग भाग को देखने के लिए निकलना था। चौथे दिन के लिए हम झांसी से महोबा चल पड़े। अल्हड़, उन्मुक्त और स्वतंत्र माटी की महक महोबा की पहचान है। महोबा की फिजा में ही घुली हैं वीरता और बलिदान की कथाएं। लोकनायक आल्हा और ऊदल की जमीन है महोबा। चंदेल राजाओं की राजधानी रहे महोबा ने वीर गाथाओं के साथ साथ निर्माण, शिल्प और कलाओं को भी अपने में समेट रखा है। झीलों,
और मंदिरों से सजे महोबा में एक से बढ़कर एक दर्शनीय स्थल हैं। काकर मठ के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर मदन सागर के किनारे पर स्थित है। खजुराहो शैली में बना यह मंदिर शिल्प का नायाब नमूना है। वहीं रहिला सागर में दुर्लभ सूर्य मंदिर अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी आकर्षण का केंद्र है। पान की खेती के लिए भी मशहूर महोबा का अपना ही सौंदर्य है। पांचवें दिन हम बुंदेलखंड का रक्षा दुर्ग कहे जाने वाले कालिंजर किले में थे। लगभग 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह दुर्ग एक ही पहाड़ी पर बनाया गया है। कालिंजर से बने कालिंजर का अर्थ है मृत्यु को नष्ट करने वाला, अर्थात शिव। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद निकले विष को पीकर शिव व्याकुल हो उठे और उन्होंने इसी स्थान पर अपनी व्याकुलता शांत की। कालिंजर पर कई राजवंशों जैसे चेद, नंद, मौर्य, शुंग, गुप्त आदि का शासन रहा। लाल बलुआ प्रस्तर खंडों से निर्मित कालिंजर दुर्ग के भवन अत्यंत आकर्षक हैं, जिसमें पीले रंग के चूने का पलस्तर किया गया है। दुर्ग की महत्वपूर्ण संरचनाओं में किले की दीवार, नीलकंठ मंदिर, वेंकट बिहारी मंदिर, पाथर महल मस्जिद और यहाँ के विशाल जलाशयों जैसे कोटी तीर्थ, बुड्ढा बुड्ढी तालाब आदि शामिल हैं। इस दुर्ग में उत्तर से प्रवेश करते समय 7 द्वार पड़ते हैं। अमान सिंह महल, जो कि अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, अपने आप में अमूल्य धरोहरों को समेटे हुए है। नीलकंठ मंदिर के गर्भगृह में विशाल एक मुखी शिवलिंग है। दीवारों पर छवियां और कथाएं उकेरी गई हैं और यहीं काल भैरव की अद्भुत मूर्ति के दर्शन होते हैं। कालिंजर धीरे धीरे अपने विलक्षण स्थापनाओं, शिल्पों और दृश्यों से सैलानियों को बांध लेता है। ढलती हुई शाम धीरे धीरे पास से ही बहती बाघेन नदी में डूब रही है। कालिंजर बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। हमें यहां से चित्रकूट के लिए कूच करना था। मंदाकिनी के किनारे यह भूमि बुंदेलखंड की एक अलग पहचान बनाती है। उन्मुक्त उच्छल स्वतंत्र भूमि के इस भाग में कण कण में धर्म व्याप्त है। कहते हैं भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास के 11 साल यहीं व्यतीत किए थे। रामघाट और तुलसीदास इस पावन भूमि की एक सहज कड़ी हैं। सुबह की फूटती किरण पावन मंदाकिनी को जैसे प्रज्वलित कर देती है। आध्यात्म से परिपूर्ण ये घाट सांझ की आरती तक धर्म में डूबे रहते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी, कामदगिरी, हनुमान धारा, जानकी कुंड, कामतानाथ, स्फटिक शिला, अनुसुईया का आश्रम, पग पग भूमि इसी धार्मिक भाव में रची बसी है।
देवांगना कोटितीर्थ जैसे स्थान विंध्य पर्वत श्रृंखला में यहां वहां फैले हुए हैं। जनश्रुति है कि हजारों साधु संत इन पर्वतों में तपस्या कर रहे हैं। चित्रकूट से मात्र 19 किलोमीटर दूर गुप्त गोदावरी नाम का आश्चर्यचकित करने वाला प्राकृतिक स्थल है। एक विशाल गुफा में निर्मल जल की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रकृति का अनूठा उपहार है ये। कहते हैं राम और लक्ष्मण का दरबार यहीं लगता था। वहीं चित्रकूट से थोड़ी दूर पर स्थित गणेश बाग मिनी खजुराहो के रूप में विख्यात है। पेशवाओं द्वारा बनाई गई इमारतें और मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण हैं। बीचों बीच प्राचीन शैली का भव्य षटकोणीय पंच मंदिर है, जिसके ऊपरी भाग में खजुराहो की भांति असंख्य मूर्तियां उकेरी गई हैं। सामने एक सरोवर इसके आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर थे। हमारे मन मस्तिष्क में बुंदेलखंड के अलग अलग रंगों की खुशबू चलचित्र की तरह आ जा रही थी। रानी लक्ष्मीबाई, आला ऊदल की गाथाएं, निर्माण और शिल्प, प्रकृति। और जाते जाते यहां का एक लोकनृत्य राई हमें बार बार याद दिला रहा था कि हमें यहां फिर से लौटना है। बुंदेलखंड एक नए अनुभव का नाम है जो आपको बार बार पुकारेगा।